शिक्षा मंत्री और विधायक गीता बुक्कल श्री राम धर्मशाला पहुंची थी, जहां पर उन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर जुबानी हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वीं मन की बात पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं। इसके अलावा उन्होंने जेजेपी नेता अजय चौटाला के सभी विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए जाने की बात पर भी करारा प्रहार किया। तो पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता बुक्कल श्री राम धर्मशाला पहुंची थी, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात बहुत करते हैं, दूसरों के मन की बात सुनते नहीं है, केवल एक तरफा संवाद करते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। 25 करोड़ की सड़कों के जो बद से बदतर हालत है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर सरकार को उसको देने का काम किया, उसी की घोषणा बीजेपी के अध्यक्ष कर जाते हैं, उसी की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कर जाते हैं, उसी की घोषणा आकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कर जाते हैं। घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा हो रही है, लेकिन ये पत्थर एक नहीं लग रहा।